टोंक जिले के गांव जौला के देवालाल का आज 24वां शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। देवालाल 4 फरवरी 2000 को सियाचिन में शहीद हो गए थे। 24वें शौर्य दिवस पर माल्यार्पण कर शहीद देवालाल को सैल्यूट किया गया। इस दौरान कलाकारों ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। सैनिक कल्याण बोर्ड टोंक से सूबेदार रामप्रकाश चौधरी सहित ग्रामीणों ने वीरांगना धोली देवी सहित परिवार का सम्मान किया। इस मौके पर शहीद देवालाल के बचपन के साथी नरपत सिंह राजावत भी मौजूद रहे। आन बान और शान के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावन करने वाले वीर यादों को, वीर जवानों को, सपूतों को याद किया जा रहा है। वहीं इसी वक्त हम गांव जोला में मौजूद है, जहां पर गांव जोला के सपूत देवलाल गुजर ने हंसते हंसते मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर कर दिए थे। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नरपत सिंह जी मौजूद है, जो उनके बचपन के साथी है। किस तरीके से उनका सफर रहा, किस तरीके से देशभक्ति का जुनून था, आज शौर्य दिवस मनाया जा रहा है, किस तरीके का आयोजन चल रहा है? ये 4 फरवरी 2000 को शहीद हुए थे, उसी दिन से इस दिन को हम शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। उनका देशभक्ति का जज्बा ऐसा था कि मैं उनके बारे में ज्यादा बता ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो मेरे बचपन के साथी थे और हमेशा, यानी कि स्टूडेंट लाइफ में भी उनकी आदत थी कि देशभक्ति की बातें करा करते थे। और वो एक ऐसे देशभक्त हैं जिनको ये हम सदियों सदियों तक याद रखेंगे। और ये 4 फरवरी जो शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, इससे आज हमारे गाँव में 4 फौजी हैं। हालांकि एक समय ऐसा आया था कि लोग रुक गए थे, लेकिन उनकी शौर्य गाथाएं सुनकर के आज हमारे गांव में 4 फौजी हैं। और इस वर्ष हमारे गांव के बच्चों ने एक कसम खाई है कि इस साल कम से कम 40 फौजी बन करके जाएंगे। और ये सब कुछ देवराज जी के गर्व की बात है, 40 फौजी इस बार गांव जोला से बनेंगे जी। किस तरीके का लगातार जुनून लोगों को देशभक्ति का बढ़ता जा रहा है। वहीं आप बताएं कब शहीद हुए थे और किस तरीके से ये पूरा रहा अब तक। आज शौर्य दिवस को लेकर जो स्मारक है, किस तरीके का सैल्यूट दिया गया, भारत माता की नारे लगाए गए? शौर्य दिवस पर शहीद की जो प्रतिमा है उसके ऊपर तिरंगा झंडा लहरा करके और भारत माता के नारों और वंदे मातरम के नारों से गुंजायमान होता है पूरा गांव। कल शाम को गांव में, पूरे गांव में रैली भी निकली और वाहन रैली निकाली जाती है युवा साथियों के द्वारा पूरे जोश के साथ। एक एक बच्चे में इतना जोश भरा हुआ है, एक एक बच्चे बच्चे में बूढ़े तक भी जोश में है कि हमें भी ये मौका मिले। अब किस तरीके का कार्यक्रम रहने वाला है आज? जैसे गांव जोला की बात करें तो प्राण प्रतिष्ठा का भी आयोजन किया गया है स्मारक स्थल में, तो किस तरीके का आयोजन रहेगा और किस तरीके से युवाओं में, जोला के जवानों में किस तरीके का जोश, देशभक्ति प्रेरित करने जा रहे हैं? 4 फरवरी को शौर्य दिवस रूप जो मनाते हैं उसमें हर साल अलग अलग कार्यक्रम रखा जाता है। अब की बारियां क्या, जो पीपल थी पीपल का विवाह करवाया जा रहा है, साथ ही शिव पंचायत की प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम है। यानी देशभक्ति के साथ साथ धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं और साथ ही बच्चों के द्वारा देशभक्ति गानों से इनसे जो नवयुवक है उनमें देशभक्ति का जज्बा भरा जाता है। और या तो प्रत्येक बच्चा जोश में है, हर बच्चा पूरे होश के साथ, जोश के साथ फौज में जाना चाहता है। और ये गांव जोला है जो शहीद देवालाल की जन्मभूमि है, यहाँ पर लोगों में काफी जोश है और लोग आज शहीद देवालाल द्वारा दिए गए बलिदान को याद कर रहे हैं। कजोड़ गुजर एवं